हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया फ़ोन जो कि है पोको एम फोर प्रो। तो देखते हैं क्या है खासियत इस फ़ोन में और कैसा है इसका फर्स्ट लुक, क्या आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो सामने की तरफ से देखें तो यहाँ पर पोको एम फोर प्रो लिखा गया है और ये देख सकते हैं आप, बड़ी बड़ी सी सील लगा के दी गई हैं। और अगर साइड की बात करें तो पोको एम फोर प्रो विद ईजी एक्सेस द गूगल ऐप यू यूज़, तो ऐसा लिखा गया है। बैक साइड की हम बात करते हैं तो बैक साइड से यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जैसे सुपर एमोलेड डिस्प्ले 90Hz फुल एच डी प्लस और 64MP AI ट्रिपल कैमरा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं और ये देख सकते हैं आप, एक दो सील और लगा के दी गई हैं जो कि वाइट कलर में है और यहाँ पर मेड इन इंडिया यहाँ पर लिखा गया है। तो 6GB और 128GB वाला वर्ज़न है और इसके कुछ ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर अपर साइड में दी गई हैं। तो इसमें MRP जो दिया गया है बॉक्स में वो 19,999 दिया गया है। तो ये हालांकि इतना महंगा है नहीं, फ्लिपकार्ट में इसे ऑफ़र में आप कम से कम रेट में ले सकते हैं। तो बॉक्स की पैकिंग तो काफ़ी सही दी गई है, खोल के देखते हैं इसको, इसमें क्या है खास। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या है इसमें। तो उसकी सील काट लेते हैं। तो यहाँ पर तीन नहीं बल्कि चार चार सील दी गई हैं, तो ये देख सकते हैं आप। ओपन कर लेते हैं इसको। तो अंदर से सबसे पहले ये येलो बॉक्स देखने को मिलता है, इसे निकाल लेंगे। इसके नीचे फ़ोन है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इस पीले बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले सिम इजेक्टर पिन है और ये यहाँ पर यूज़र मैनुअल है इसकी, इसमें पोको लिखा गया है। और एक यहाँ पर बैक कवर दिया गया है इसका, सिलिकॉन बैक कवर। तो आजकल लगभग लगभग सभी फ़ोनों में ये देखने को मिल जाता है आपको, देख सकते हैं मुलायम सा, काफ़ी हल्का यहाँ पर कवर दिया गया है। तो इनको रखते हैं साइड में और आगे देखते हैं अभी इस फ़ोन में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है इस बॉक्स में। तो ये सबसे ऊपर यहाँ पर फ़ोन रखा गया है। तो ये देख सकते हैं फ़ोन आप, कितना ग्लॉसी लुक है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पीछे जो है वो गोरिल्ला ग्लास दिया गया है जिस वजह से इतना शाइन ये कर रहा है। उसके अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ा सा नया मॉडल दिया गया है लुक जो देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक कैमरा इधर दिया गया है जो कि मेन कैमरा है, उसके बाद दो कैमरे ये हैं और यहाँ पर फ्लैश दी गई है। 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है सेटअप, तो काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर हम देखें तो ये फिंगरप्रिंट इसमें ज़रूर जल्दी आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ग्लास है, इसलिए इसका बैक कवर ज़रूर से लगा के रखें इसमें। तो अगर हम फ्रंट से इसको देखें तो यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले दी गई है, तो आप ये देख सकते हैं पंच होल यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर देखने को मिलता है और इसमें यहाँ पर आपको अलग से प्रोटेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी ऑलरेडी लगा के देती है। तो अगर हम इसके इस साइड से अगर हम देखें तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट और स्विच के यहाँ पर बटन एक ही साथ दिए गए हैं, वॉल्यूम अप डाउन बटन दिए गए हैं। और ऊपर की तरफ हम देखें तो यहाँ पर एक IR सेंसर दिया गया है, स्पीकर दिए गए हैं और यहाँ पर हेडफोन जैक दिया गया है। तो और अगर हम साइड में देखें इसके लेफ्ट साइड में तो यहाँ पर सिम ट्रे दी गई है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर माइक्रोफोन और यहाँ पर सी टाइप चार्जर पोर्ट दिया गया है और यहाँ पर स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं, तो डबल स्पीकर हैं इसमें भी। तो फ़ोन काफ़ी हल्का है यहाँ पर, मैं उठा के देख रहा हूँ उसे, काफ़ी हल्का लग रहा है। इसको कवर में डाल लेते हैं और देखते हैं इसमें कवर डाल के ये कैसा हमें देखने को मिलता है। तो कैसा लुक है आप देख सकते हैं यहाँ पर, काफी टाइट कवर है इसका। तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा ये। फिलहाल इसे ऑन कर लेते हैं और सेटअप के लिए छोड़ देते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ हमें बॉक्स में देखने को मिलती है इसके साथ। तो ये हटा
दिखा लिया हमने। इसके साथ है ये चार्जर जो कि फास्ट चार्जर है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जो कि 33 वॉट का फास्ट चार्जर है, यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं आप, 33 वॉट Xiaomi कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो 33 वॉट का फास्ट चार्जर इसके साथ दिया गया है और ये केबल दी गई है सी टाइप, तो इसको थोड़ी रेड वाला लुक दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यही सब हमें देखने को मिलता है, चलिए फटाफट से इसको बूट कर लेते हैं। फ़ोन हो गया है ऑन और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें हमें क्या कैसा यहाँ पर इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी सारी ऐप इसमें हमें ऑलरेडी इंस्टॉल मिलती हैं, तो वो आपके काम की जो हैं वो आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो लगभग सभी जो आजकल यूज़ करने वाली ऐप हैं वो सभी दी गई है, देख सकते हैं गूगल पे जो कि पहले से आता नहीं था, और ये जिली वगैरह कुछ और ऐप भी ऐसी डाल के दी गई हैं जो कि यूजलेस हैं, अमेजोन नेटफ्लिक्स, तो काफ़ी सारी ऐप हमें देखने को मिलती है। तो इसका एक बार सेटिंग इंटरफेरेंस देख लेते हैं। अगर अबाउट फोन में हम जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 128 GB में से 19.9 GB यहाँ पर इंगेज है ऑलरेडी, तो इसके बाद आपको बाकी मेमोरी देखने को मिलती है। MIUI की बात करें तो 13.0.2 यहाँ पर स्टेबल वर्जन मिलता है, ये देख सकते हैं आप, MIUI 13 यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर हम इसके बाकी फीचर्स देखें तो एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर 11 देखने को मिलता है, ये देख सकते हैं आप। तो अच्छा इंटरफेरेंस है और 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले है इसकी, तो काफ़ी स्मूथ ये चल रहा है। और बाकी तो आपको इसमें MIUI देखने को मिलती है, तो आप उस हिसाब से इसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके कैमरा की बात करूं, तो कैमरा यहां पर देख सकते हैं आप, इसको मैं अलाउ कर देता हूं। तो फंक्शन अगर आप देखें तो प्रो मोड, वीडियो मोड, फोटो, पोर्ट्रेट मोड एंड मोर यहां पर देखने को मिलता है, जहां पर नाइट शॉट 64 MP का अलग से दिया है, शॉर्ट वीडियोज़ यहां पर दी गई है, पोर्ट्रेट मोड, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम स्लैप, AI वाटरमार्क, ऐसे फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं और एक एडिट का अलग से दिया गया है। तो वहीं अगर हम इसके सेल्फी कैमरा की बात करें तो सेल्फी कैमरा में भी लगभग सभी चीज़ वही देखने को हमें मिलती है, तो आप ये देख सकते हैं सेल्फी कैमरा में, तो ये वीडियो में आप देख सकते हैं इसमें भी सेम वही चीज़ है, पोर्ट्रेट मोड वही सब दिया गया है, और मोर में जाके भी सेम वही फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये फ़ोन का हमने एक दिन यूज़ करके देखा है, तो इसका बैटरी बैकअप जो है काफ़ी अच्छा चल जाता है, और अगर मैंने इसको जब चार्ज करा 0 से 100% तो 1 घंटा 20 मिनट का टाइम लगभग इसने लिया है, तो आप देख सकते हैं कि फास्ट चार्जिंग में 1 घंटा 30 मिनट ठीक ठाक ही है। तो इस बजट में अगर ये फ़ोन आपको मिलता है, मेरे को तो ये लगभग पड़ा है 13,000 रुपये में, तो अगर इसी रेंज में आपको 6 GB और 128 GB वर्जन मिलता है तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है इस रेंज में, तो आप लोग भी इसे जरूर से देख सकते हैं अगर नया फ़ोन अगर आप लेना चाह रहे हैं। लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है, तो आप देख ही सकते हैं, मैंने इसी फ़ोन से जो वीडियो ली थी और आपको फ़ोटो दिखाई थी, तो हो सकता है वो आपको सही लगी हो इस कैमरा से। तो कैसी लगी ये अनबॉक्सिंग दोस्तों हमें ज़रूर से बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि मैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँ।
धन्यवाद दोस्तों।